तो हुआ ये कि एक दफ़ा मैं और मेरी नानी, हम लोग असल में क्योंकि वीकेंड में मैं और मेरी मदर नानी के घर स्टे करने जाया करते थे, तो हमारी जो रातें होती थी हम थोड़ा लेट सोते थे, और मेरी अम्मी चूँकि जॉब करती थी इस वजह से उनको आदत थी वो जल्दी सो जाया करती थी, और वो सुबह सुबह फजर के टाइम पे उठ जाया करती थी। ये उनका रूटीन था, भले छुट्टी हो ना हो उनकी आदत थी वो जल्दी सोती थी जल्दी उठती थी। तो मैं अपनी नानी के साथ लॉन्ज में बैठी हुई थी और रात के कोई तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, तो उस टाइम पे ये जो टाइम होता था वो बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि हम आजकल के आजकल के कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो 9:30 बजे तो अभी इतनी रात हम नहीं नहीं लगती है हमें, लेकिन उस टाइम पे हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो 9:30 बजे का टाइम था और मैं अपनी नानी के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी कि अचानक हम देखते हैं कि हमारा जो डोर है उस टाइम पे वो जो जालियां होती थी लोहे की, उस टाइप के डोर होते थे, और बिल्कुल घर के अंदर की मैं आपको बात बता रही हूँ, जैसे कि वो एक डोर लगा होता था, मेन जो घर स्टार्ट होता था वो अंदर से स्टार्ट होता था और बाहर जो था वो सहन था जहाँ पे आम का दरख्त होता था, और उस सहन के आसपास भी 2-3 घर थे जो मेरी अम्मी जो थी उनके कजन्स वहाँ पे रहते थे। तो बेसिकली एक एक बहुत बड़ा सा आप समझ लें ज़मीन थी जहाँ पे दो तीन फैमिलीज रहती थी, आपस में सब रिश्तेदार एक साथ ही रहते थे। सो हुआ कुछ यूँ कि मैं अपनी नानी के साथ सोफे पे बैठी हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी जो 2 कज़न्स हैं, यानी कि मेरी अम्मी अम्मी के जो मेरे कज़न हैं उनकी बेटियाँ जो मेरी कज़न्स कहलाती हैं, तो वो दोनों वहाँ खड़ी हुई और उनके हाथ में सिपारा और रहल थी। तो अब मैं और मेरी नानी, हम दोनों ने इस चीज़ को विटनेस किया। अब हम सोचें कि ये इतनी रात को सिपारा और रहल लेके क्यों खड़ी हुई है, और वो कंटिन्यूसली हमें देख रही थी, और उन वो जिस तरह से देख रही थी वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि ये टाइम ऐसा हो रहा है। तो भाई नानी ने ना उनको डांटा कि इस टाइम पे तुम क्यों खड़ी हो वहाँ पे, तो वो कुछ ना बोले, वो खड़ी देखती रही हमें। तो मेरी नानी ना उठ के आगे बढ़ने की कोशिश करती है उनकी तरफ, जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाती है दरवाज़ा खोलती है, बाहर देखे कोई भी नहीं, सन्नाटे पड़े हुए। तो नानी कहती है ये दोनों कहाँ भाग गई, तो नानी को बड़ी हैरत होती है। तो वहीं पे ना मेरी जो मोमानी कहलाती हैं मेरी रिश्ते की, तो हम जाते हैं वहाँ पे और मेरी नानी उनको बोलती है कि भाई तुम इतनी रात को बच्चियों को पढ़ने क्यों भेज रही हो, तो वो कहती हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, दोनों तो सो रही हैं, और मिन्हाज भाई वो सो रही होती हैं, मैंने खुद देखा नानी ने देखा वो दोनों वहाँ सो रही होती है, जबकि मैंने नानी ने अपनी आँखों से देखा कि वो दोनों वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो उस दिन के बाद से मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैं तो रात को वहाँ जैसे ही रात होती थी मुझे खौफ तारी होने लगता था कि जो मैंने देखा है वो, यानी कि इस कदर मुझे खौफ आता था रात होने से। लेकिन ज़ाहिर है नानी के घर था तो हम जाते भी थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते थे दिन भर में, लेकिन रात में बड़ा खौफ आता था। तो खैर ये एक वाकया था, और एक और वाकया जो मेरी अम्मी के साथ पेश आया, अम्मी के साथ ये पेश आया वाकया कि अम्मी की आदत थी फजर में जल्दी उठने की, तो अम्मी उठ के जो उनका डेली का जो काम होता है किचन में, जैसे कि आटा गूंदना, तो अम्मी बताती हैं कि मैं आटा गूंद रही थी और फजर की अजानें भी हुई नहीं थी, होने वाली थी। तो मेरे जो नाना थे वो मेरी नानी के घर के अंदर उनका रूम नहीं होता था, बाहर होता था, यानी कि क्योंकि वो किताबें वगैरह लिखते थे और रात को यानी कि देर तक जागना, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे थे तो उनका रूटीन कुछ इस तरह से होता था, रेडियो वगैरह सुनना, तो उनको एक सेपरेट हम लोगों ने रूम दिया हुआ था। तो वो मेरी नानी के घर के बिल्कुल एकदम, यानी कि आप समझ लें वो जो कच्चा सहन था
उसके साथ ही उनका भी एक अलग से रूम था, तो वहाँ वो रहते थे। तो उनकी आदत ये थी कि जब वो सुबह उठते थे तो वो पहले खांसते थे, तो अम्मी को आवाज़ आती है किस में, नाना की आवाज़ में, कि कोई मेरा जो छोटा भाई है वो उसको बुला रहे हैं। यानी कि वो मेरे, अब मैं भाई का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो 3 दफ़ा मेरे भाई का नाम लेते हैं। अब अम्मी सुन रही हैं, अम्मी अपने काम में लगी हैं, लेकिन अम्मी क्लियरली सुन रही हैं कि नाना की आवाज़ में कोई आवाज़ देता है। और अम्मी को पता है कि नाना जब उठते हैं, नाना खांसते हैं, फिर नाना उठते हैं, ये रूटीन होता है नाना का। तो अम्मी को बड़ा अजीब सा लगा। खैर, अम्मी डरी नहीं, लेकिन जब सुबह हो गई, नाना उठ गए, तो मेरी अम्मी पूछती हैं कि नाना, आप ये कोई फजर के टाइम उठ के मेरे भाई का नाम ले रहे थे? यानी कि मेरे भाई का नाम लेके मेरी अम्मी ने पूछा। तो नाना कहते हैं कि मैं तो अभी उठाऊं। तो अम्मी कहती हैं कि नहीं, आप, मैंने खुद सुना है आपने उसको आवाज़ दी है 3 दफ़ा। तो नाना कहते हैं, नहीं, मैं क्यों इतनी रात को उसको आवाज़ दूंगा, मैं तो अभी अभी उठाऊं। तो अम्मी को बड़ी हैरत हुई। तो एक ही ये छोटा सा वाक्य था। और इसके अलावा क्या होता था वहाँ पे ना, यानी कि जो भी वो मखलूक थी, क्या थी, वो दूसरे, यानी कि हमारे जो रिश्तेदार थे, उनकी आवाज़ में, यानी कि वो रातों को आवाज़ देती थी। अगर जैसे कि एक शरारत के तौर पे, अब जैसे कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, और अगर कोई वहाँ पे उसको नज़र आ जाए, तो एक डराने के लिए, अब ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, मेरे जो रिश्ते के मामू लगते थे उन्होंने भी एक दफ़ा बताया। वो काफ़ी लेट अपने काम से आए थे, तो रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग कमरों के बजाय ज़रा बाहर चारपाई डाल के लेट गए गर्मी की वजह से। तो वो बताती हैं कि मैं आके बड़ा थका हुआ था, मैं चारपाई पे आके लेटा, मैंने वो जो फैंस होते हैं, साइड फैंस होते हैं, मैंने वो लगाया और मैं लेटा हुआ था कि अचानक उनको आवाज़ आती है, मेरे जो बड़े मामू हैं उनकी आवाज़ में ना। तो वो बताते हैं कि मुझे 3 दफ़ा आवाज़ आई, इकबाल इकबाल इकबाल। तो जब 3 दफ़ा वो कह रहे हैं, मैंने सुना, इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र ही ना आए। तो एकदम से वो फिर डर के मारे उन्होंने सब कुछ वहाँ से उठाया और अपने अंदर कमरे में जाके वो सो गए। तो ये कुछ वाकयात थे जो वहाँ पे होते थे। अब तो मुझे पता नहीं वहाँ पे होते हैं नहीं होते हैं, मेरा जाना वहाँ नहीं होता। बहरहाल, ये छोटे छोटे कुछ वाकयात थे जो बिल्कुल सच हैं और ऐसा वहाँ होता था। और वहाँ पे, यानी कि हमने देखा था कि रात जैसे ही होती थी तो एक खौफ का आलम होता था और अंधेरा, और यानी कि बहुत ज़्यादा खौफ आता था नानी के उन घरों से।